हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान की यूनिट एक से लेकर आठ तक के सभी यूनिट्स के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपकी जूलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत पहली यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इस यूनिट से जो 60 टाइप क्वेश्चन बनते हैं वे सामान्यता हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, एनोमर तथा एपीमर। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है या किनके बीच बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स क्या होते हैं तथा फैटी एसिड्स की डिफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तो उनमें पहला प्रश्न है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें खासकर आपको कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड या फिर डाइसेक्राइड्स के बारे में पूछा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा प्रश्न में आगे दिया है डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का उल्लेख करिए। तो ये पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न की तो दूसरा प्रश्न है क्लासीफाई द लिपिड्स यानी कि लिपिड्स का क्लासिफिकेशन करिए एंड गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इट, इसकी संरचना और इसके कार्यों का उल्लेख करिए। बात करें पहली यूनिट के तीसरे प्रश्न की तो तीसरा प्रश्न है डिस्कस द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख कीजिए या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स का वर्णन कीजिए। तो यह पहली यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बात करें आपकी यूनिट नंबर सेकंड की तो यूनिट सेकंड है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। तो इस यूनिट से जो 60 टाइप क्वेश्चन बनते हैं वे हैं को एंजाइम क्या होते हैं, को फैक्टर से आप क्या समझते हैं, होलो एंजाइम किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है तथा इलेक्ट्रिक एंजाइम से आप क्या समझते हैं। तो यह कुछ 60 टाइप क्वेश्चन है जो कि आपसे 2 से 3 नंबर के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के तो इस यूनिट से 2 ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है डिफाइन एंजाइम यानी कि एंजाइम को परिभाषित कीजिए, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यानी कि एंजाइम एक्शन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो यह पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पेपर में यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो दूसरा प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा और प्रश्न है व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शंस यानी कि वे कौन से कारक हैं जो कि एंजाइम एक्शन को प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप इन दोनों प्रश्नों को देख लेंगे। बात करें अगली आपकी महत्वपूर्ण यूनिट की तो यूनिट नंबर थर्ड है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो इस यूनिट से ज़्यादातर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें जो पहला प्रश्न है वह है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ ईएमपी आर ग्लाइकोलिसिस पाथवे यानी कि आप ईएमपी पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस पाथवे से क्या समझते हैं, इनके स्टेप्स का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा सेकंड प्रश्न है डिस्क्राइब द सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ये जो तीनों नाम दिए गए हैं वो तीनों नाम एक ही साइकिल के हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। तो ये जो साइकिल है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह है डिस्क्राइब द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स यानी कि फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन का वर्णन कीजिए। ये जो ऊपर के तीन प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक वर्ष आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास अतिरिक्त समय बचता है तो आप चौथे प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे जो कि प्रश्न है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बात करें अगली यूनिट की तो अगली यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस यूनिट से आपसे 60 टाइप क्वेश्चंस में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पूछा जा सकता है जिसे आप तैयार कर लेंगे। वही बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तो इसमें जो पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर पेपर में यानी कि हर सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल एंड इट्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो यूरिया साइकिल को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं आपसे इस यूनिट से प्रश्न बन सकता है डिस्कस अबाउट विटामिन्स इन डिटेल्स यानी कि विटामिन्स के बारे में विस्तृत पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यह यूनिट 4 से 2 प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण हैं। बात करें यूनिट नंबर 5 की तो 5वीं यूनिट है डाइजेशन एंड रेस्पायरेशन। इस यूनिट से जो 60 टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनमें है ग्लाइकोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं,
काइम क्या होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट से आप क्या समझते हैं, तथा कोरी साइकिल क्या होती है। तो यह कुछ सारे टाइप क्वेश्चन हैं जो कि दो नंबर में आपसे सामान्यतः पूछे जाते हैं। बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तो उनमें पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों में ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वह है, डिफाइन डाइजेशन यानी कि पाचन को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपसे केमिकल डाइजेशन ऑफ या तो प्रोटीन पूछेगा या फिर कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, आप दोनों को तैयार कर लेंगे। इन दोनों में से किसी एक का पाचन आपसे पेपर में पूछेगा। वहीं बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट आर हैमबर्गर्स फिनोमिनन, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमिनन क्या होता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि इस यूनिट से बनते हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट 6 है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इस यूनिट से जो सारे टाइप क्वेश्चन बनते हैं वे हैं, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर से आप क्या समझते हैं, नेफ्रॉन की संरचना, पैराइटल सेल क्या होती है, आरएच फैक्टर से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। तो यह कुछ सारे टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 या 3 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो ब्लड से आपके सामान्यता 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जिनमें जो आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त के थक्का जमने की क्रियाविधि को समझाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पेपर में ब्लड से रिलेटेड यह प्रश्न नहीं पुट अप रहता है, तो इसके अलावा जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वह है, डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के विभिन्न कंपोनेंट का वर्णन कीजिए, एंड गिव ए शॉर्ट नोट ऑन देयर फंक्शंस, और उसके कार्यों के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो यह ब्लड से रिलेटेड प्रश्न है जिनमें आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इसी यूनिट से जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वह हैं, व्हाट इज कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होती है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस, इसके विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। तथा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए, एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो यूनिट नंबर 7 है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। तो इस यूनिट से जो प्रश्न बनते हैं उनमें पहला प्रश्न है, क्लासिफाई हार्मोन्स, हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन कीजिए, एंड गिव मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा सेकंड सेमेस्टर का, उसमें यह प्रश्न जरूर दिया रहेगा, गिव मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से जो प्रश्न बनते हैं उनमें प्रश्न है, डिस्क्राइब एनी 2 इंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपके इस यूनिट में इंडोक्राइन ग्लैंड से जरूर प्रश्न पुट अप रहता है, तो आपसे कोई 1 या 2 इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूछ लेगा, और खासकर आपको पेपर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है, तो खासकर आप पिट्यूटरी ग्लैंड को भी तैयार कर लेंगे। एंड डिस्कस हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम, यानी कि आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स तैयार करनी है और उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू नर्व फाइबर, यानी कि तंत्रिका तंतु के माध्यम से तंत्रिका आवेग के संचरण का वर्णन कीजिए। तो आप इस प्रश्न को भी देख लेंगे, लेकिन खासकर जो ऊपर की 2 प्रश्न हैं वही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आप तैयार कर लेंगे। अगर अतिरिक्त समय आपके पास बचता है तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। बात करें आखिरी यूनिट की, तो आखिरी यूनिट है मस्कुलर सिस्टम। इस यूनिट से सामान्यता 60 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2 या 3 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, खासकर मसल ट्विंच क्या होता है। इसके अलावा जो इस यूनिट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है वह है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स, यानी कि स्केलेटल मसल फाइबर्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का वर्णन करिए। तो इस यूनिट से एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।